यह जो आप द्वार देख रहे हैं, यह नौलखा पोल जहाँ से हमने प्रवेश किया था, उस तरफ के पहाड़ी से बिल्कुल अपोजिट दूसरी साइड जो पहाड़ी का किनारा है, उस तरफ से पहला द्वार है ये। इस तरफ के जो द्वार हैं उनकी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि इधर से आवागमन नहीं होता, इस वजह से इनकी केयर के अभाव में ये खंडित हो चुके हैं। ये वाला द्वार पूर्ण रूप से खंडित है और उसके स्थान पर ये लोहे का एक गेट लगाया गया है। इधर आप देख सकते हैं, इससे आगे कोई द्वार या रास्ता नहीं है। ये दीवार भी बाद में की गई है ब्लॉक करने के लिए, ताकि कोई इससे आगे ना जा पाए, क्योंकि हो सकता है कोई जंगली जानवर हमें मिल जाए। तो जो ये द्वार है, यह इस तरफ से प्रथम द्वार है। मैं आपको बिल्कुल अंतिम से मैं जाके और फिर आपको यह दिखा रहा हूँ। तो ये प्रथम द्वार है, और जब इससे आगे चलते हैं यानी दुर्ग की तरफ अंदर, इससे आगे हमें तीन द्वार और देखने को मिलेंगे, जैसा कि दूसरी तरफ भी हमें देखने को मिला था। द्वार से लगभग 50 से 60 मीटर आगे चलते हैं तो हमें सामने एक दूसरा द्वार दिखाई पड़ता है। यहाँ पर कुछ निर्माण कार्य जो कि लगभग खंडित अवस्था में, और देख सकते हैं बारिश के मौसम में कितना सुंदर दृश्य है, जगह जगह से झरने बहते हुए। यह है दूसरा द्वार, और यहाँ से एक सीढ़ी ऊपर की तरफ जाती है इधर, जो कि ऊपर एक शिव मंदिर है, वहाँ तक ये सीढ़ियाँ जाती हैं। ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं शिव मंदिर। पिछली तरफ जो दुर्ग है, जो उसकी पिछली घाटी है, उस तरफ यहाँ पर काफ़ी छोटे बड़े आपको झरने बहते मिल जाएंगे। और ऊपर देखिए इस मंदिर की विशेषता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। यह देखिए, शिव मंदिर है ये, काफी प्राचीन है। कैसा सुंदर मनमोहक दृश्य है, नंदी के मुख से महादेव पर जल अर्पण हो रहा है। ये मंदिर के ऊपर शायद यहाँ पर कोई निर्माण रहा होगा। ये है द्वितीय द्वार, और यहाँ पर इन द्वारों पर कुछ अलग तरह के सिंबल बने हुए हैं, जैसा कि
मैं आपको दिखाता हूँ। इधर आप इसको देखिए, यह आकृति एक नगाड़े की प्रतीत होती है, लेकिन ये कटिंग की हुई आकृति है। अगर मैं इसको कटिंग ना करूं, केवल इसका सिंबल मैं आपको बनाऊं, तो ये पहचान में नहीं आएगा। और छत पर काफ़ी विशालकाय पत्थरों का इस्तेमाल है, लिंटेन की छत। और जो इसकी चूल बनाई गई है, वो इसके ऊपर वाली जो स्लेब डाली है, उसी के अंदर होल किया गया है। तो ये था इस तरफ से द्वितीय द्वार। द्वितीय द्वार से लगभग 50 मीटर अंदर आने पर हमें यहाँ पर एक और द्वार मिलता है। ये देखिए इधर, और इसकी निर्माण शैली देखिए कितनी सुंदरता से नक्काशी की गई है। द्वितीय द्वार आपने देखा था, खंडित था। और जो ये तृतीय द्वार है, तीसरा द्वार, इसका भी एक द्वार खंडित है। और जो आकृति मैं आपको दिखाना चाह रहा था वहाँ पर, जो कि तराशी गई थी, अगर उसको तराशते नहीं हैं, केवल सिंबल बनाते हैं, तो वो इस तरह का बनता है, जो कि एक नगाड़े का सिंबल है। अगर हम इसको यहाँ से तराश देते हैं, तो एक नगाड़े का सिंबल बनता है, जो कि पिछले द्वार पर हमने देखा था। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा कि दोनों तरफ ये सिंबल बने हुए हैं, जो नीचे दिखाया था। चलिए मैं आपको इधर कुछ दिखाता हूँ, एक बार विवेक जी दिखा रहे हैं। ये देखिए, थोड़ा सा बिल्कुल, ये तो हाथी लग रहा है। ये बिल्कुल ये हाथी है। और जो आगे वाला नेक्स्ट है नक्काशी, वो भी इसी तरह का है। और देखो इन्होंने ये तलवार निकाल रहे हैं अपने। प्रथम में तलवार है, द्वितीय में शायद धनुष है, पकड़ रखा है। दूसरे देखो, ये धनुष है वो, तो इसी तरह की आकृति है। तो जैसा कि इस दुर्ग के बारे में वर्णन है कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था, जिसके बाद अनेकों बार इसका जीर्णोद्धार हुआ है। और जो खंडित अवशेष रहते थे, उन्हीं से इनका जीर्णोद्धार किया जाता था। तो मैं आपको एक चीज़ और दिखा रहा था, जो कि तृतीय द्वार में है। यहाँ पर किसी देव की प्रतिमा बनी हुई है। ये खंडित है, लेकिन किसी देव की प्रतिमा प्रतीत होती हुई। और इसके नीचे यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है, तो पता नहीं किस लिपि के अंदर है ये। हम कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, अगर जो अवशेष
ये हैं। तो प्रारंभ में ये कितना विशाल और भव्य होगा कि अवशेषों से निर्माण करने के बाद ये इतना भव्य है। ये देखिए, ये देखिए लोक्स के, ये भी लिपि जैसे कुछ लग रहा है, ये लोक है, ये इसमें भी देखो लोक था, यहाँ पर भी देखिए लेकिन जी इंटरलॉक के लिए उधर भी यहाँ पर भी। वैसा ही जो सिंबल है इस द्वार पर भी है, यह है चतुर्थ द्वार। इस तरफ किसी भी द्वार पर नामकरण नहीं किया गया है, या फिर जो प्लेट होती है, जो नोटिस बोर्ड होता है, ये आप देखिए, ये किसी देव का यहाँ पर चित्रण किया गया है। किनका है, बाद में है, किया है किसी ने या पहले का है, इस बारे में आप नहीं बता पाऊँगा, लेकिन है। और ये उसी तरह का इसमें नक्काशी की गई है। इसकी मैं आपको एक बार निर्माण शैली दिखाता हूँ, क्योंकि बारिश फिर से स्टार्ट हो चुकी है, तो जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ। जो द्वार है उसकी स्थिति आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं वापस। यह देखिए कि किस तरह इस द्वार का निर्माण किया गया है, छत और दिखाइए एक बार, और इसकी छत पिरामिडल से, जिस तरह से जो हमीर न्यायालय की छत थी उसी तरह का यहाँ पर जो निर्माण शैली है वही। चलिए चलते हैं। तो जो हमारी धरोहर है उसकी क्या स्थिति है, और वो भी तब जब ASI के अंडर वो है, उसका संरक्षण किया जा रहा है, तो किस तरह से संरक्षण किया जा रहा है वो आपके सामने है। तो चतुर्थ गेट से गणेश मंदिर की तरफ शॉर्टकट मार्ग से यहाँ पीछे की तरफ से गणेश मंदिर के पास निकलने वाला एक मार्ग है। चलिए एक बार देखते हैं। हम नीचे से देख रहे थे, नीचे जहाँ से अभी हम आ रहे हैं, तो काफ़ी ऊंची दीवार वहाँ से हमें यह दिखाई दे रही थी, तो एक बार यहाँ से देखने का प्रयास करते हैं। और ये देखिए पुराने अवशेष, यह देखिए नज़र रखने के लिए दुश्मन पर, अगर दुश्मन कुछ आक्रमण किया, कोई प्रॉब्लम करता है, तो दूर दूर तक यहाँ से नज़र रखी जा सकती है।
अगर सामने उस पहाड़ी पर शत्रु आ बैठता है तो उसके लिए भी, और ये दीवार की आप मोटाई देखिए, लगभग 6 फुट या उससे भी ज़्यादा, और अगर पूरी दीवार हम देखते हैं तो 12 से 15 फुट इसकी मोटाई दीवार की। तो हमें जो जाना है वो कहाँ जाना है, यह जो ध्वज देख रहे हैं यहाँ पर गणेश मंदिर है।